मैं आपका दोस्त आसिम पठान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अलीगढ़ बजीज अनफिंचेस। दोस्तों आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है कि बजीज और लवबर्ड के अंदर सबसे अच्छी ब्रीड कौन करता है और इनकी ब्रीड लेने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा, क्योंकि मैं वक्त वक्त पर आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों आज की वीडियो का हमने एम कुल 1000 लाइक का रखा है, यानी कि 1000 लाइक्स का रखा है। अगर आप इस पे 1000 लाइक करवा देते हैं तो शाम को दोबारा वीडियो आपके सामने आ जाएगी। जितनी ज़्यादा लाइक होंगे उतनी ज़्यादा वीडियो मैं आपके लिए बनाया करूँगा। दोस्तों देखें, ये भाई ने कमेंट किया था मेरी लास्ट वीडियो पर, इस तरीके से अगर आप लोग भी सवाल पूछेंगे, कमेंट करेंगे, तो आपके कमेंट का रिप्लाई अगली नई वीडियो में मिला करेगा। यानी कि अगर आपने आज कमेंट किया तो कल की वीडियो में आपका रिप्लाई इस तरीके से वीडियो में सबके सामने मिलेगा। जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसका रिप्लाई वीडियो में मिलेगा, बाकी सभी को कमेंट का रिप्लाई कमेंट में मिलेगा। दोस्तों ये ओवैस सैयद हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई मैं लवबर्ड पालना चाहता हूँ, मैं कौन सी पेयर रखूँ और एक पेयर रखना चाहता हूँ, अहमदाबाद से हूँ। देखिए इसके रिप्लाई में मैं ये बोलूँगा, लवबर्ड जब भी आप रखें म्यूटेशन वाली रखें, अच्छी लवबर्ड रखें, आप पुरानी लवबर्ड ना रखें जैसे कि नॉन रिंग्स हैं। नॉन रिंग इस टाइम जो है कोई पूछ नहीं रहा उनको, नॉन रिंग का रेट भी काफ़ी कम हो चुका है और उसका क्रेज़ भी कम हो चुका है। इस टाइम जो भी आप लवबर्ड रखें, म्यूटेशन वाले रखें, चाहे आप रेड आइस रखें, चाहे आप पार ब्लू फिशरीज रखें, यूविंग फिशरी रखें, ऑफलाइंस रखें, जो भी रखें म्यूटेशन में रखें। अब दोस्तों बात करते हैं कि बजीज और लवबर्ड में सबसे ज़्यादा ब्रीड कौन करता है। दोस्तों ये सब डिपेंड करता है आपके रख रखाव पर, आपका मेथड पे, किस मेथड से आप ब्रीड ले रहे हो, कॉलोनी ब्रीड ले रहे हैं या वन बाई वन केज बाई केज लगाकर ब्रीड ले रहे हैं। देखिए दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस ये है, मैंने लोगों को देखा है, कुछ लोग तो दोस्तों ऐसे होते हैं जो कॉलोनी में फेल हो जाते हैं और केज बाई केज में कामयाब हो जाते हैं। कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो केज बाई केज बर्ड लगाकर भी फेल हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉलोनी में कामयाब हो जाते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें जो है वो पर्सन टू पर्सन और ब्रीड टू ब्रीड, म्यूटेशन टू म्यूटेशन डिपेंड करता है। दोस्तों मान लीजिए अगर आप बहुत अच्छी ब्रीड कराना चाहते हैं बजीज पैरट से, आप चाहते हैं कि भाई मुझको रिजल्ट 95% टू 100% तक रिजल्ट अच्छे मिले मुझे, तो दोस्तों अगर आप बजीज की ब्रीडिंग कराना चाह रहे हैं तो आप एक काम करें, 3x2x2 के केज बनवाएं, 10 से 12 केज, ठीक है, 3x2x2 के केज बनवा लिए, हर केज में 4-4 पेयर छोड़ दें, 4 मेल 4 फीमेल, और चारों कोनों में 1-1 मटकियाँ लगा दें, तो आपके एक केज के अंदर 4 पेयर आ जाएंगे। 10 केज लगा लेंगे तो 40 पेयर से आप ब्रीड ले सकते हैं, आपको पता रहेगा कितने मेल हैं मेरे पास, कितनी फीमेल हैं। अगर दोस्तों आप केज की चक्कर में नहीं पढ़ना चाह रहे, आप चाह रहे हैं कि भाई मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं 10 केज लगाकर 40 पेयर रखूं और उनको टाइम दूं, टाइम नहीं है आपके पास, आप चाह रहे हैं कि भाई कॉलोनी सिस्टम हो तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर है, तो दोस्तों उसमें आप ये कर सकते हैं कि 6x6x6 की एक कॉलोनी बना सकते हैं, यानी कि 6 फीट उसकी हाइट, 6 उसकी डेप्थ हो और 6 ही उसकी लेंथ हो, इस तरीके से चौकोर कॉलोनी बन जाएगी स्क्वायर शेप में, उसमें आप आराम से 40 से 45 पेयर की ब्रीड ले सकते हैं, ठीक है, वहाँ आप इस तरीके से कॉलोनी बना के छोड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों कॉलोनी में कभी कभी ये होता है फाइट हो जाती है, आप देखें ये आपको मेरे बर्ड नज़र आ रहे हैं, एक आपकी फ़ाइट भी हुई है उसमें, ठीक है, जितनी बड़ी कॉलोनी होगी जितने ज़्यादा बर्ड होंगे तो कोई ना कोई बर्ड ऐसा होता है जो शरारती होता है, वो लड़ते हैं एक दूसरे से, तो इस तरीके से आप कॉलोनी ब्रीड भी ले सकते हैं। अगर आपको 50 पेयर रखने हैं तो दोस्तों आप 8x5x6 की कॉलोनी बना सकते हैं, यानी कि 8 फुट इसकी लेंथ हो, 6 फुट इसकी हाइट हो, ताकि आप अंदर जाने के बाद आराम से खड़े हो सकें, और 5 फुट इसकी डेप्थ हो, तो आप उसके अंदर 50 से 60 पेयर की ब्रीड ले सकते हैं। अगर दोस्तों आपको 100 पेयर की ब्रीड लेनी है कॉलोनी के अंदर, तो कम से कम 15 फुट की उसकी लेंथ हो और 10 फुट उसकी गहराई हो, ठीक है, और 6 से 7 फुट की उसकी लंबाई हो, ऊँचाई हो, जिसमें आप आराम से खड़े हो सकें, तो 15 फुट की लंबाई में 10 फुट की गहराई में आप आराम से 100 पेयर की ब्रीड आसानी से ले सकते हैं। 100 में से 70-80 पेयर बहुत अच्छे चल जाएंगे उसमें, बाकी दोस्तों 100% रिजल्ट आपको कहीं भी किसी भी बर्ड से नहीं मिल सकते। आप सोचें कि भैया 100 पेयर छोड़े हैं तो 100 से ब्रीड मिले, ऐसा होना नामुमकिन है, 100 में से 70-80 पेयर ही चलते हैं अच्छे से, बाकी 10-15 पेयर ऐसे होते हैं या तो अंडे ख़राब कर देते हैं या बच्चे नहीं पाल पाते, बाकी 80 पेयर जो होते हैं वो आपका एवरेज अच्छा निकाल कर दे देते हैं, इस तरीके से आप कॉलोनी बना सकते हैं। दोस्तों बजीज पैरट एक ऐसा है जो कि 4 से 5 बार एक साल में अंडे बच्चे कर देता है, कोई 4 क्लच दे देता है, कोई 5 दे देता है, कोई 3 ही दे पाता है, तो एवरेज इसका 4 मान के चलते हैं हम, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं लवबर्ड्स की। दोस्तों लवबर्ड की मैंने आपको बता दिया, लवबर्ड का ज़माना बदल चुका है,
अगर आप लंबट पे आना चाह रहे हैं तो म्यूटेशन से स्टार्ट करें डायरेक्ट, ऐसा ना हो कि आप नॉन रिंग ले आएँ, या फिर ऐसा ना हो कि सिर्फ ग्रीन फिशर से स्टार्ट करें, क्योंकि दोस्तों ग्रीन फिशर की कोई भी इस टाइम मैं ये कहूँगा कि रेट ख़त्म हो चुका है। अगर आपको हॉबी भी रखनी है, अपना शौक के पर्पज़ से भी रखना है, तो अच्छी चीज़ से स्टार्ट करें, ताकि कल को अगर आपकी ये हॉबी एज अ पार्ट टाइम बनती है तो आपको अफसोस ना हो कि भाई आपका टाइम ख़राब हो गया, आपका पैसा ख़राब हो गया सस्ते बर्ड लेकर या ओल्ड फैशन बर्ड लेकर। तो जब भी लें हाई म्यूटेशन की अच्छी चीज़ लें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप डायरेक्ट 50,000 का पेयर लें, आप 8,000 का पेयर लें, 7,000 का पेयर लें, सस्ता पेयर से स्टार्ट करें, लेकिन वो म्यूटेशन का होना चाहिए जो वर्किंग में काम आता है लोगों के, जिसकी डिमांड ऑलवेज हाई रहे। तो इस तरीके के लबर्ड्स में आएँ। और लबर्ड का दोस्तों कितनी बार क्लच करता है, कितनी बार बच्चे देता है वो, दोस्तों लबर्ड 3 से 4 बार आराम से पूरे साल में ब्रीड कर देता है, ठीक है, जो कि बच्चे पालने से लेकर अंडे देने तक 3 से 4 क्लच देता है। कोई लबर्ड 3 क्लच देता है, कोई 4 देता है, कोई कोई ऐसा होता है कि 5 क्लच भी पूरे साल में दे देता है, अगर आपने उसके बच्चे इधर उधर फॉस्टर मारे हैं तो। अब दोस्तों अगर अंडों की क्वांटिटी देखी जाए, बच्चे पैदा करने की क्वांटिटी देखी जाए इनकी, तो बजीज मिनिमम 4-5 अंडे तो देता ही है, एक पेयर 4-5 अंडे देता है। कुछ ऐसे होते हैं जो 8 अंडे भी देते हैं कोई कोई पेयर, कोई कोई पेयर ऐसे होते हैं जो 10 अंडे भी देते हैं, लेकिन ऐसे ज़्यादा अंडे देने वाले पेयर बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर आपको जो अंडे देने वाले जो पेयर मिलेंगे वो 4-5-6 ये इनकी क्वांटिटी होती है, मैक्सिमम 5-6 तो रहता ही है इनका, ठीक है। ज़्यादातर पेयर 5-6 अंडे देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 4 पे ही रह जाते हैं, और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो 8 अंडे और 10 अंडे तक लेके पहुंच जाते हैं। अब दोस्तों इनकी बच्चे पालने की जो क्षमता, जो इनकी स्ट्रेंथ होती है, वो हम यही बोलेंगे कि बजीज जो है 4-5 बच्चे आराम से पालता है, 4-5 बच्चे बहुत ही आराम से पाल के देता है, कोई कोई पेयर 6 बच्चे भी बहुत आराम से पाल के देता है। इससे ज़्यादा अगर आप बच्चे पलवाएंगे तो बजीज बच्चे नहीं पाल पाएगा और बच्चे मर जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं लबर्ड की, दोस्तों लबर्ड मिनिमम कम से कम 3 बच्चे उससे पलवाने चाहिए, 3 बच्चे अगर आप पलवाएंगे हर जोड़े से तो वो बहुत अच्छे से फीड कराकर बहुत अच्छे साइज़ के बच्चे बना के देंगे आपको। 4 बच्चे भी आप पलवा सकते हैं, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है इधर उधर तो 4 बच्चे आप पलवा सकते हैं। 4 से ऊपर अगर आप बच्चे लेके जा रहे हैं तो वहाँ डेडलाइन वाला इशू आ जाएगा, या ख़तरे की घंटी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसमें होता ये है कि जो छोटा बच्चा होगा या जिसकी स्ट्रेंथ कम होगी बच्चे में, वो बच्चा भूखा रह जाएगा, उसको फिर वो फीड नहीं करवाते हैं। जो ताकतवर जो बड़े साइज़ के बच्चे होते हैं वही फीड ले लेते हैं लबर्ड में। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 3-4 बच्चे से ज़्यादा नहीं पलवाता एक जोड़े से, किसी से 3 पलवाता हूँ, किसी से 4 पलवाता हूँ। इससे ऊपर का अगर मैंने देखा है तो दोस्तों 5वां बच्चा मैंने ख़त्म होते हुए ही देखा है हमेशा, तो इस वजह से मैं 3-4 बच्चे से ज़्यादा नहीं पलवाता लबर्ड में। दोस्तों अगर बात करें कि लबर्ड्स की बेस्ट ब्रीडिंग कहाँ मिलती है, दोस्तों आपको पता ही है कि मैं कब से लबर्ड रखते हुआ आ रहा हूँ, आपको मैंने कॉलोनी ब्रीडिंग भी दिखाई है और केज बाई केज ब्रीडिंग भी दिखाई है। हम कॉलोनी ब्रीडिंग में भी सक्सेस हुए थे और केज बाई केज में भी सक्सेस हुए थे, लेकिन मेरा जो तजुर्बा, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो ये है, अगर आप लबर्ड रखना चाह रहे हैं और उसमें सक्सेस होना चाह रहे हैं तो दोस्तों केज बाई केज ही ब्रीडिंग लें, क्योंकि इसमें एक तो आप अपने मर्ज़ी का पेयर लगा सकते हैं जिसको आप चाहें, जैसे कि मैंने आप देखें लगा रखा है ये ग्रीन फिशर स्प्लिट इनो लगा रखा है मैंने, स्प्लिट ब्लू है, साथ में देखें ये अल्बाइनो लगा रखा है, तो ये मेरी मर्ज़ी का पेयर है, मैंने इसको लगा दिया, इसके अंडे भी आ गए। इस तरीके से अगर आपको लगाने हैं अपनी मर्ज़ी का पेयर एक प्रोफेशनल तरीके से लगाना चाहें तो दोस्तों केज बाई केज ही काम करेगा उसमें। दूसरा फ़ायदा इसमें यह होता है कि जो बच्चे वक्त से पहले कूद जाते हैं अपने बॉक्स में से, वो कॉलोनी में अगर कूदेंगे तो वहाँ पर कुछ शरारती बर्ड ऐसे होते हैं जो नीचे उतर के उन छोटे बच्चों के पंजे तोड़ देते हैं, पंजे चबा जाते हैं और मार देते हैं उसको, ज़बरदस्ती मारते हैं। और अगर यही चीज़ अगर अपने केज में बच्चा कूदता है केज बाई केज में, तो माँ बाप उसको बिल्कुल नहीं मारेंगे, बल्कि उल्टा उसको फीड करवाएंगे। दोस्तों केज बाई केज का एक बेनिफिट ये भी है, जिसमें सेपरेट पेयर लगाते हैं हम, उसके बाद दूसरा ऑप्शन नहीं होता, एक आपने बॉक्स दे दिया तो वो उसी बॉक्स में जाएगा, उसमें ब्रीड करेगा, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो उसका काम ही यही होगा, ब्रीडिंग करना, खाना पीना और ब्रीडिंग करना, बच्चे पालना। यही चीज़ अगर कॉलोनी में देखी जाए तो उसमें क्या होता है, इसमें ये दादागिरी दिखाते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे के बॉक्स पे हमला करते हैं, उसके ऊपर जाके बैठ जाते हैं, पास नहीं बैठने देते, तो उसमें लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, पंजे एक दूसरे के तोड़ते रहते हैं, तो बड़े मसले आते हैं। लेकिन अगर बड़ी कॉलोनी है, बड़े साइज़ का सेटअप लगा रखा है आपने, तो वहाँ पर आप 15-20 पेयर लबर्ड के लगा सकते हैं, वहाँ आपकी मर्ज़ी है, गहरे गहरे बॉक्स लगा सकते हैं, वहाँ भी कामयाबी मिल सकती है, लेकिन 1x1 ज़्यादा बेस्ट है मेरी नज़र में। दोस्तों अगर आपके पास वाकई बिल्कुल टाइम नहीं है और आप लबर्ड रखना चाहते हैं, बर्ड लवर हैं, लबर्ड की ब्रीडिंग कराना चाहते हैं,
तो दोस्तों कॉलोनी में करा सकते हैं, ये नहीं है कि जीरो रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, बच्चे भी मिलेंगे, लेकिन बस वही है कि थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाती है, थोड़ा बहुत बच्चों को ये कभी कभी मार देते हैं, तो इसका नुकसान भी देखने के लिए तैयार रहिएगा। बाकी सब बढ़िया है, मेरे पास अभी भी एक कॉलोनी लगी हुई है लवबर्ड की, ख़ास तौर से येलो बोल जिसको डैक ग्रीन बोलते हैं, उसमें माशाल्लाह 10-12 पेयर हैं, सभी ब्रीड कर रहे हैं, बच्चे भी पल रहे हैं, बच्चे भी सारे बच जाते हैं, बस वही है कि थोड़ा ख्याल ज़्यादा रखना पड़ता है। तो इसी के साथ इजाज़त लेता हूँ, चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखें, अपनी बर्ड्स का ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें, और दोस्तों चलते चलते वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें।